हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिटेंट फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हम अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी के बारे में, द प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो जो हमारे पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडेड है उससे एसोसिएटेड होती है हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी, या हम कह सकते हैं वो किस तरह से नीचे बैठ रहे हैं उससे हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी एसोसिएटेड होती है। एंड इट कैन बी ओवरकम बाय चेंज इन पार्टिकल साइज एंड शेप। अगर हम पार्टिकल साइज और शेप में चेंज करते हैं तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वो सस्पेंशन अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को अगर हम चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। तो अगर हम आसान तरीके से बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा कोई सस्पेंशन है, इसमें जो हमारे पार्टिकल हैं वो जितने ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा वो उतना तेज़ी से नीचे की ओर बैठेगा, और जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना ही स्लोली नीचे की ओर बैठेगा। तो ये हमारे पार्टिकल्स आके डिपेंड करेगा साइज के ऊपर भी। जो स्फेरिकल पार्टिकल हैं वो फास्टली नीचे की ओर हालांकि बैठेंगे। अगर हम और शेप के पार्टिकल से कंपेयर करें तो इसको भी कंट्रोल करके हम अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ठीक कर सकते हैं। या जो हमारी कंटिन्यूअस फेज है, लिक्विड फेज है, उसकी जो विस्कोसिटी है अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो लाइक जो हमारा लिक्विड है, जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा पार्टिकल, उतना स्लोली नीचे की ओर आएंगे। और जो हमारे पार्टिकल हैं उनके ऊपर क्या चार्जेस हैं उसके ऊपर भी हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। सो द इवैल्यूएशन ऑफ द सस्पेंशन कैन बी डन बाय नंबर वन, जो हमारा मेथड पहला मेथड है, दैट इज द सेगमेंटेशन मेथड। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को जो है इवैल्यूएट करना है तो वहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो पैरामीटर है अगर हमें अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू एच यू अपॉन एच ओ। तो इस कंडीशन में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डन इन ए सिलेंडर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसको हम करते हैं एक जो है मेजरिंग सिलेंडर में और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इस एक्सपेरिमेंट को वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम F की बात करें, F इज द सेगमेंटेशन वॉल्यूम है। एच यू की बात करते हैं तो ये है अल्टीमेट हाइट ऑफ द वो सेगमेंट। तो मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो सस्पेंशन है उसमें जो हमारा नीचे बैठ रहा है इसको हम बोलते हैं वो सेगमेंट, और इसकी जो हाइट है वो कहलाती है हमारी एच यू, अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेगमेंट। और एच ओ यहाँ पे है इनिशियल हाइट ऑफ टोटल सस्पेंशन। जो हमारा वो टोटल सस्पेंशन है उसकी इनिशियल हाइट क्या है, वो एच ओ कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा एच ओ और ये है हमारा इतना जो है एच यू। तो इससे हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आसानी से हम इसको वो निकाल सकते हैं एफ की वैल्यू को। द वो सेगमेंटेशन वॉल्यूम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वो टाइम, ए हॉरिजॉन्टल कर्व इंडिकेट बेटर सस्पेंशन। तो अगर हम एफ की वैल्यू को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे और अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर हमें प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो हमारा सस्पेंशन है वो अच्छा है, एक अच्छा वो सस्पेंशन हम उसको कहते हैं। अदर वो सिंपल टेस्ट बेस्ड ऑन द वो सेडिमेंटेशन रेट। अगर हम बात करते हैं अगले टेस्ट की तो ये है हमारा बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन वो रेट, किस वो रेट से हमारे पार्टिकल नीचे की ओर बैठ रहे हैं उसकी बेसिस पे भी हम अपने सस्पेंशन को जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड इट वो परफॉर्म बाय नोटिंग हाइट ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑन ए क्लियर सुपरनेटेंट एट डिफरेंट टाइम। तो इसमें हम जो हमारा वो सेगमेंटेशन है उसकी हाइट को हम जो है नोट करते हैं और उसको हम
हम वो नोट करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। हाँ वो देन वी प्लॉट ए कर्व वो बिटवीन वो सेगमेंटेशन वर्सेस वो टाइम के अगेंस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगेन अगर हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वो लाइन स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो वो सस्पेंशन है वो स्टेबल है। इसका जो अगला मेथड है दैट इज द वो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। अनदर वो सेगमेंटेशन पैरामीटर इज डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एफ जो है इनफाइनाइट की तो ये इक्वल होता है एच इनफाइनाइट अपॉन एच ओ। तो यहाँ पे जो हमारा है एफ इनफाइनाइट इज वो सेगमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का जो सेगमेंटेशन वॉल्यूम है वो हमारा है एफ जो है इनफाइनाइट। अगर हम बात करते हैं एच इनफाइनाइट की तो ये है अल्टीमेट हाइट ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सेडिमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन के बारे में तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बाई द बीटा एंड इट इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ इनफाइनाइट। तो अगर हम एफ की बात करें वो जिसको हमने इससे पहले देखा था तो वो क्या था एच यू अपॉन एच ओ अपॉन एच इनफाइनाइट अपॉन एच ओ। तो यहाँ से एच ओ आपस में वो कट जाएगा तो जो हमें प्राप्त होगा दैट इज एच यू अपॉन एच इनफाइनाइट। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट वो बीटा वो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन के बारे में इट इज द अल्टीमेट हाइट ऑफ वो सेडिमेंट ऑफ फ्लोकुलेटेड वो सस्पेंशन अपॉन अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड वो सस्पेंशन। तो अगर हम अपने फ्लॉकुलेटेड वो सस्पेंशन की अल्टीमेट हाइट को डिवाइड करते हैं विद द वो डीफ्लॉकुलेटेड वो सस्पेंशन की हाइट से तो उस कंडीशन में हम आसानी से डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा होता है वो सस्पेंशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन इज एस्टिमेटेड बाई सेकिंग द सस्पेंशन। तो अगर हम अपने वो सस्पेंशन को सेक करते हैं तो हम आसानी से इस चीज़ को वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है कितना रिप्रोड्यूसिबल है पार्टिकल कितना अच्छे से फिर से डिस्पर्स हो जा रहे हैं हमारे सस्पेंशन के अंदर। तो अगला जो इसका हमारा वो पैरामीटर है इवैल्यूएशन वो टेक्निक है वो दैट इज द रियोलॉजिकल मेथड। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द रियोलॉजिकल मेथड वो सस्पेंशन नॉर्मली हैज नॉन न्यूटेनियन फ्लो। तो अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की तो उसके अंदर जो फ्लो का पैटर्न है वो होता है नॉन न्यूटोनियन। मीन्स ये वो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करता है इसका जो फ्लो होता है वो होता है नॉन न्यूटोनियन। द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल बाय ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की अलग अलग टाइम पे अपने सस्पेंशन की विस्कोसिटी को चेक करते हैं अपने वो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए एंड इट विल गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द वो सस्पेंशन। ये एक हमें अच्छी इंफॉर्मेशन वो देता है अलग अलग टाइम पे विस्कोसिटी को मेजर करते हैं ये एक हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देता है अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए। वो सस्पेंशन एग्जिबिट वो थिक्सोट्रॉपी आर प्रेफर्ड एज दे रिमेन विस्कस ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो अगर हम बात करते हैं थिक्सोट्रॉपी की तो इसका मतलब होता है कि अगर हम शेयर का फोर्स अपने सस्पेंशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर लगाते हैं और उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है तो इसको हम बोलते हैं वो थिक्सोट्रॉपी। तो वो सस्पेंशन एग्जिबिट वो थिक्सोट्रॉपी तो हमारे सस्पेंशन के अंदर वो थिक्सोट्रॉपी होती है और ये इसको हम करते हैं प्रेफर करते हैं एज दे वो रिमेन विस्कस ड्यूरिंग द स्टोरेज। ये हम जब इसको स्टोर करते हैं वो थिक्सोट्रॉपी वो नेचर के कारण ये अपनी विस्कोसिटी को स्टोरेज कंडीशन में मेंटेन रखता है। अगला जो हमारा पैरामीटर है दैट इज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैथड। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक वो मैथड की दीज मैथड बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके जो आउटर वो सरफेस है वहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको डिटरमाइन करते हैं और हम उसका जीटा पोटेंशियल वो डिटरमाइन करते हैं। इट हेल्प टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। ये हमें अपने सस्पेंशन के अंदर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। अगर हम बात करते हैं वो सर्टेन जीटा पोटेंशियल की प्रोड्यूस मोर स्टेबल सस्पेंशन ड्यू टू कंट्रोल फ्लॉकुलेशन। तो जो हमारे वो पार्टिकल्स के ऊपर वो चार्जेस हैं अपने पार्टिकल के ऊपर जो वो जीटा पोटेंशियल है उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एक स्टेबल वो सस्पेंशन प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि हम उससे आसानी से फ्लॉकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जीटा पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम इसको कोई इलेक्ट्रिकल वो सेल वगैरह में रखते हैं और उस कंडीशन में हम आसानी से जीटा पोटेंशियल को वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से हमारे पार्टिकल माइग्रेट हो रहे हैं
अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर, वो मेजरमेंट बाई इलेक्ट्रोफोरेटिक मैथड, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मैथड से मेजर कर सकते हैं। और जो हमारा अंतिम है ये है माइक्रोमेरेटिक मैथड। तो इसमें हम अपना जो हमारे पार्टिकल हैं, जो हमारे वो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, उनका हालांकि वो पार्टिकल साइज वगैरह वो डिटरमाइन करते हैं। पार्टिकल साइज एंड से द स्टेबिलिटी ऑफ और सस्पेंशन डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द और डिस्पर्स्ड फेज। तो हमारी जो वो डिस्पर्स्ड फेज है उसमें जो हमारी पार्टिकल साइज है, जो सॉलिड कंटेंट है उसका जो पार्टिकल साइज है उसको हम इसमें वो डिटरमाइन करते हैं। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के ऊपर। द वो साइज ऑफ वो सस्पेंडेड पार्टिकल में ग्रो एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लंप आर केक। तो अगर हम बात करते हैं हमारे वो हेलो पार्टिकल की, तो वो जब हम उनको अधिक टाइम तक स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि वो जो हमारे वो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ में वो ज्वाइंट होते हैं, ग्रो करते हैं और वो केक या लम्स को फॉर्म करते हैं। ये एक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है हमारे वो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए। सो चेंज इन द पार्टिकल साइज विद द टाइम प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द वो सस्पेंशन। तो अगर हमें ये इस चीज़ का आइडिया हो जाए, इस चीज़ का अगर हमें वो पता चल जाए कि जो हमारा पार्टिकल साइज है वो टाइम के हिसाब से किस तरह से वो चेंज हो रहा है, तो हम अपने प्रोसेस को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने जो सस्पेंशन को स्टेबल जो है बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।